नमस्कार सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे, आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सुहासा निवासी भाजपा युवा नेता विनोद मिश्रा के पिता की वर्षी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद समाजवादी पार्टी जौनपुर के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव अपने तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा युवा नेता विनोद मिश्रा के घर आकर मुलाकात किया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। विनोद मिश्रा ने कहा कि मैं अपने पिताजी की वर्षी में सभी दलों के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम संपन्न होने के एक दिन के बाद सपा जिलाध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के साथ मेरे घर आकर मुलाकात किया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ गया। विनोद मिश्रा ने कहा कि मैं भाजपा का झंडा बैनर वर्षों से लेकर चल रहा हूँ, मैं भाजपा के सिवा और किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूँ। क्या कहा सबकी नज़र से भाजपा नेता विनोद मिश्रा, आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है सबकी नज़र न्यूज नेटवर्क की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ श्याम शंकर पांडे और आप देख रहे हैं सबकी नज़र। आज मैं उपस्थित हूँ सुहासा गांव में भाजपा युवा नेता विनोद मिश्रा जी के आवास पर। एक अफवाह, एक चर्चा का विषय क्षेत्र में बना हुआ है कि भाजपा युवा नेता के घर पर समाजवादी पार्टी के तमाम लोग पहुंचे हैं, जिसको लेकर के तरह तरह की अफवाहें हैं। आइए बात करते हैं भाजपा नेता से। मिश्रा जी, आपके पिताजी की जो वर्षी कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के तमाम नेता आपके आवास पर पहुंचे, क्या कारण क्या था? देखिए, मेरे पिताजी की जो वर्षी थी उस रात के, मैं इस अवसर पर सारे दलों को, सारे पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया था, क्योंकि ये एक कार्यक्रम था जो पार्टी से परे था और मैं अपेक्षा कर रहा था कि सारे नेता आएंगे, और नेता ही नहीं हमारे क्षेत्र के सम्मानित सारे व्यक्ति आएंगे। मैंने सबको निमंत्रित किया था और सब लोग आए, सब लोग ने हमारे साथ में मिला, हम उसे मिले और बहुत सारी बातें हुई, साथ में प्रसाद ग्रहण किया गया। तो माननीय जिलाध्यक्ष सपा जो है वो आ नहीं पाए थे और कुछ उनकी, क्योंकि रक्षाबंधन का कार्यक्रम था और उनकी कुछ व्यस्तता भी थी, कार्यक्रम के एक दिन बाद आए थे और आके मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि हम उस समय नहीं आ पाए, तो हमारा यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ था तो हम लोग अपने कार्यकर्ता के साथ आपके साथ आए। देखिए, ये एक औपचारिक मुलाकात थी। मैं, कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व ये कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया हूँ या समाजवादी पार्टी का झंडा ले लिया हूँ। मैं लोगों को ज्ञात दिलाना चाहता हूं कि मैं गत 7 से 8 वर्षों से सिर्फ भाजपा का झंडा लेके और हर समय अपनी उपलब्धता हाजिर करा के मैं हर समय लोगों के साथ बना रहा, एक कार्यकर्ता की तरह कार्य करता रहा। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम में मैंने अपने माननीय जिला अध्यक्ष और महामंत्री जी को भी आमंत्रित किया था, मगर शायद उनकी व्यस्तता ज़्यादा होगी या कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को आमंत्रण नहीं दिया था, मैंने सबको आमंत्रण दिया था। और मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। अब विनोद मिश्रा जी, देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक गलियारे में जब समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आए जिला अध्यक्ष के साथ, तो राजनीतिक गलियारों में ये कुछ अलग ही चर्चाएँ होने लगी। लोगों का काम है चर्चा करना, चर्चा करने ले दिए, चर्चा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है लोगों की मदद करना, लोगों के सुख दुख में रहना, लोगों के साथ रहना, वो मैं करते रहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के दामन पकड़ ले जा रहे हैं वहाँ? नहीं भाई साहब, ऐसा तो कोई अभी विचार नहीं है मेरा इस तरह का। कयास यही लगाया जा रहा है, जब आपके घर पर समाजवादी पार्टी के लोगों का काफिला, काफी गाड़ियां पहुंची, तो कयास राजनीतिक गलियारों में यही लोग लगा रहे थे कि शायद विनोद मिश्रा साइकिल पर सवार होने जा रहे हैं। हमारा कमल ज़्यादा अच्छा है साइकिल की तुलना में, तो कमल हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है। दर्शकों को, सपनेर के दर्शकों को तो कुछ बोल दीजिए कि आप भाजपा के सिपाही हैं। आप सब जानते हैं, इसमें किसी कोई बात ही नहीं करनी है, सब जानते हैं कि मैं भाजपा के सिपाही हूँ। 7 सालों से 8 सालों से निरंतर होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, सारे कार्यक्रम में जाना आना मेरा लगा रहता है, मैं अभी भी कार्य कर रहा हूँ। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से आपकी तैयारी भी चल रही भारतीय जनता पार्टी से?
देखिए, पार्टी ने अगर हमको मौका दिया तो जरूर मैं इसका स्वागत करूंगा, और पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी मुझे दी मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विनोद मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम मेरे पिताजी की वर्षी के एक दिन के बाद जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेरे आवास पर पहुंचे, ये एक औपचारिक मुलाकात थी, चूंकि कार्यक्रम में नहीं आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा, और मुझे जिम्मेदारी जो मिलेगी भारतीय जनता पार्टी से उसको बखूबी निभाऊंगा। सबकी नजर के लिए SS पांडे, मुग्राबाद, शाहपुर, जौनपुर।